जब से मैंने रोहतासगढ़ का ट्रिप किया ना, उसके बाद से मैं कोई ट्रिप पे नहीं निकला हूँ। एंड बहुत अंदर से मन बौखला रहा था मेरा कि एटलीस्ट किसी शॉर्ट ट्रिप पे ही जाऊँ। आज का जो ट्रिप है ना, वो स्टार्ट हो चुका है एंड वो जाने वाला है अप्रॉक्स 150 किलोमीटर का। एंड बॉस, मैं आपको बता दूँ कि ये वन वे डेस्टिनेशन होने वाला है। मेरे को ना उस ट्रिप से वापस लौट के नहीं आना है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ बक्सर से पटना, जहाँ पे अपनी CBR यानी कि लाडली खड़ी है। एंड लाडली को ना मैंने मॉडिफाई करा दिया है, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं जरूर दिखाऊंगा। ऑल द वे वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई गेस यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी टाइम हो रहा है 7:56, यानी कि 7:56 इज द टाइम इन द मॉर्निंग। एंड जो सूरज है ना, वो अपने आँख के सामने चल रहा है। एंड बॉस, मैंने सिर्फ एक डाल रखा है स्वेट शर्ट, जिसकी वजह से मेरे को ना थोड़ी थोड़ी ठंडी का एहसास भी हो रहा है। एंड अभी जो ट्रिप मैंने स्टार्ट करा है, तो मेरे को सिर्फ गंदे रास्ते मिल रहे हैं एंड आपको भी अभी गंदे रास्ते देखने को मिल रहे होंगे। बट ये जो 150 किलोमीटर की जर्नी है ना, इसमें गंदे रास्ते भी है, अच्छे रास्ते भी है। तो फिर अभी देखो, ये जो गंदा रास्ता है ना, वो ख़त्म होने वाला है एंड सामने से हाईवे शुरू होने वाला है। तो हाईवे पे मैं जाता हूँ एंड उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। जब आप TVS Raider का थ्रोटल देते हो ना, तो आपको कुछ ऐसे ही फीडबैक मिलता है। ऑल दो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मेरे साथ ना इस वाले राइड पे पिलियन होने वाला है। एंड पिछले वाले राइड पे ना मेरे साथ कोई पिलियन नहीं था, तो मैं पिलियन वाली रिव्यू आपको नहीं दे पाया था। मतलब कि अगर आप ट्रिप कर रहे हैं एंड आपके साथ एक पिलियन हो आप ही के वेट कैटेगरी का, तो फिर बाइक कैसे परफॉर्म करेगी। तो आज मेरे पास वो पूरा मौका है एंड मैं आपको सारा कुछ खुल के बताऊंगा TVS Raider के बारे में। एंड बहुत दिन हो गया था TVS Raider का रिव्यू लाए हुए। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ने ज़्यादा सीरियसली ले लिया कि आपके कमेंट को, कि मेरे को बाइक वाइक चलाने आती नहीं है। खैर यार, मैं बहुत दिन से यही चीज़ बोल रहा हूँ, तो आज मैं इस चीज़ को छोड़ता हूँ एंड आई एम लिटरली सॉरी। खैर, उसको हटाता हूँ एंड आपको बताता हूँ कि TVS Raider जो है ना, वो हैंडलिंग के मामले में बहुत ये बाइक जो है ना, हर व्लॉग में मैंने बताया है, जब भी मैंने TVS Raider चलाया है, कि इस बाइक की जो हैंडलिंग है, डैट इज़ सो फैंटास्टिक मैन, बहुत ही फैंटास्टिक हैंडलिंग है। एंड मेरे को ना अभी शॉर्ट हाईवे मिला था एंड फिर उसके बाद ऐसे ही गंदा रास्ता मिल रहा है। यार क्या करना चाह रहे हो बिहार सरकार। मेरे को जहाँ तक याद है ना, ये सारा रोड बना हुआ था। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं CBR को लेकर गया था पटना में, तो मेरे को मतलब जब मैं गया था ना, तो ये सारा रास्ते मेरे को बने हुए मिले थे। पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये रास्ता ऐसा ख़राब कैसे हो गया। आपको ना इसके सस्पेंशन के बारे में बताता हूँ। तो सस्पेंशन इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड, नॉट ऑन द स्टिफ साइड। इस बाइक का जो सस्पेंशन है ना, दैट इज़ वर्किंग रियली वेरी नाइस। मतलब मेरे को वैसा कोई खास जर्किंग फील नहीं हो रहा है एंड जो वाइब्रेशन होती है ना, वो भी मेरे को कोई खास फील नहीं हो रही है। बट एक चीज़ बुरी लग रही है, वो है टायर के ग्रिप एंड आगे की ब्रेक की बाइट। टायर की जो ग्रिप है ना, वो मेरी बाइक अभी चली है सिर्फ 1800 किलोमीटर, यानी कि 1800 किलोमीटर अभी बाइक क्लॉक की है। मतलब टायर के परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ जितना बाइक अभी चली है। मतलब 2000 किलोमीटर ऑन एंड अप्रॉक्स मैं मानता हूँ, तो उस हिसाब से ना टायर को ना परफॉर्म बढ़िया करना चाहिए था एंड TVS को थोड़ा और बेटर टायर देना चाहिए बाइक्स में। वैसे तो ये रेमोरा टायर्स आता है TVS की तरफ से, जो अपाचे वगैरह में यूज होता है, इसमें भी सेम टायर यूज है। बट मेरे को ना वो पकड़ के चलने वाली फीलिंग नहीं आती इस टायर से। कोई भी रोड ट्रिप करने के लिए ना सबसे एसेंशियल चीज़ होते हैं लुकिंग ग्लास, जो कि इस बाइक में नहीं है। बिकॉज रोहतासगढ़ में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करा था कि वो स्क्रिप्टेड है। तो बॉस, वो स्क्रिप्टेड नहीं था, मेरा पैंट फट गया। मेरा जो घुटना है उसमें काफ़ी चोट आई थी, स्क्रैचेस पड़ी थी, बाइक में स्क्रैचेस आई थी, मेरा लुकिंग ग्लास टूट के गिर गया था एंड मेरा हेलमेट जो था ना, वो भी पूरा स्क्रैच से भर गया था। तो ये बिल्कुल ही स्क्रिप्टेड नहीं था। उसके बाद मैंने लुकिंग ग्लास के लिए बहुत पता किया, तो अभी आउट ऑफ मार्केट चल रहा है, तो जैसे ही आएगा ना वो मैं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे को ट्रिप में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जब मेरे बाइक में लुकिंग ग्लास नहीं रहता है। एंड पता नहीं कौन हॉर्न लगा रहा है कब से, वो उस लेन में जा रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर बिहार में आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है कि अपना लेन छोड़ के दूसरे लेन में घुस जाना है, उसके बाद बिल्कुल आप सेफ हो। क्योंकि इस लेन में क्या होगा ना, मैं इधर से जा रहा हूँ, सामने से बाइक आएगी या फिर कार आएगी या फिर ट्रक आएगी, ये सब चीज़ झेलना पड़ता है। बिहार में राइड करने के साइड इफेक्ट से ये, मैं एज अ बिहारी ये चीज़ बता रहा हूँ, एकदम नो कॉन्स्पिरेसी के हिसाब से बता रहा हूँ, हकीकत जो है वही बता रहा हूँ। तो आपको अपना लेन छोड़ के दूसरे लेन में घुस जाना है एंड उसके बाद आपकी जान बची रहेगी। इसको बस जोक के तौर पर लेना, बट कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच भी है। अभी आपको देख भी रहा होगा कि मैं अपने लेन में जा रहा हूँ एंड सामने से एक ट्रक आ रही है। अब देखो मतलब उस लेन में उसको आने में क्या फ़र्क पड़ रहा था,
ये देख रहे हैं आप, इस वाले मेरे ही लेन में घुस के आ रही है, उधर से बगल में एक और लेन बना हुआ है उससे आना था इस ट्रक को, एंड ट्रक के साथ साथ ये बाइक वाला भी घुस गया, एंड बाइक वाले के पीछे एक बस वाला है, उसके आगे फिर से बाइक वाला है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखने का है। खैर अभी मैं एक मिनट के लिए रुका था ग्लव्स को ठीक करने के लिए ना, तो सामने में एक स्कूल है जहाँ पे प्रेयर हो रहा है वी शैल ओवरकम वन डे। ये जो प्रेयर है ना मेरे को अपने चाइल्डहुड मेमोरीज की याद दिला दी, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे स्कूल में भी यही होता था, एंड असेंबली भी मैं कंडक्ट कराता था, तो कुछ कुछ यादें आती हैं स्कूल की जब स्कूल में ऐसे प्रेयर सुनाई देता है। ऑल द वे मैं बात करूँ इस ग्लव्स के बारे में, तो ये जो ग्लव्स है ना वो गंदा हो गया, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लग गया है, ये बिकॉज ऑफ द CBR हुआ है, एंड बहुत इसको चलाने का ना पोस्चर बहुत मज़ा आता है यार। रेडर को चलाओगे ना आप किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसका जो सिटिंग स्टैंड है ना दैट इज़ सो फैंटास्टिक, बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा, बट इसका जो शॉर्ट क्लच है ना वो आपको झटका भर भर देगा। तो फिर मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ, एंड मैं अप्रॉक्स 20 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ अभी। यार देखो एक बात मैं क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप पिनियन लेके TVS रेडर पे ट्रैवल करेंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा ना कि बाइक पीछे से थोड़ी सी दबी हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने बाइक 60 किलोमीटर चला लिया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया मेरे को रेडर पे एक पिनियन लेके चलने का। तो फिर मेरे को ऐसा फील होता है ना कि बाइक हल्की सी ऊपर से लिफ्टेड है, वो अच्छा लगता है मेरे को, ऐसा नहीं लगता है कि मेरे को आगे झुक के चलाने की जरूरत पड़ रही है। वो चीज़ अच्छे वे में बोल रहा हूँ, वो बुरे वे में नहीं बोल रहा हूँ। ये जो पानी आप देख रहे हो ना रास्ते में, इसको देख के ना एकदम से मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज मैंने बाइक को ना बढ़िया से धो के पॉलिश वगैरह करके रखा था, एंड उसके बाद इतना गंदा मेरे को मिल रहा है देखने को, एंड सामने में उतना ही गंदा जाम। यार अभी देखना होगा कि इसमें मैं कितना देर फंसे रहता हूँ, यहाँ का जाम ना थोड़ा लंबा रहता है, ये है शाहपुर का एरिया। यार इस चीज़ की तो मैं एकदम से एक्सपेक्टेशन नहीं किया था जो कि अभी मेरे को सामने दिख रहा है। यार मतलब मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि सामने एक ट्रक खड़ी है, एंड उसके जब सामने ना ऐसे अगर ट्रक खड़ी है तो ऐसे ट्रैक्टर आके खड़ी है, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है? यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं किसी को चलाने का। वो ब्लू कलर की टायर से आपको ट्रक के आगे ट्रैक्टर दिख भी रही होगी, यार मतलब क्या सीन बनता है, इतने छोटे छोटे लड़के चला रहे हैं ट्रैक्टर, दिख भी रहा होगा आपको कि कितना छोटा बंदा है वो। यार ये देखो कितना छोटा सा, एंड मतलब कैसे गाड़ी चला रहा है देखा आपने। मेरी जो जर्नी है वो अब कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि 130 किलोमीटर मैंने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है, एंड मैक्सिमम मेरे को 5-6 किलोमीटर और बचा रह गया। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं रिव्यू दूंगा पिनियन के हिसाब से बाइक कैसा परफॉर्म करती है, तो मेरी जो रिव्यू है ना वो 75 out of 100 है, क्योंकि भाई थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है, अंडर पावर नहीं बोल रहा हूँ, अंडर वेट बाइक जो है ना वो फील होती है, अगर बालू वगैरह में आपका चक्का पड़ जाए ना तो बाइक बहुत जल्दी डिसबैलेंस होती है, जो कि इनटॉलरेबल होता है यार, मतलब आप कभी भी डिसबैलेंस हो सकते हो, इसलिए मेरी एक्सीडेंट भी हो चुकी है इस बाइक में 2-3 बार। डिस्कम्फर्ट की बात मैं कर रहा था, डिस्कम्फर्ट क्यों फील होता है, क्योंकि इसका जो सीट है ना वो देखने में बड़ा ज़रूर लगता है, बट जब आप इसको चलाओगे ना तो वो चीज़ आपको पता नहीं, वो चीज़ ना आप जैसे जैसे बाइक को अडाप्ट करते जाओगे बैठते जाओगे तो वो चीज़ छोटी लगने लगती है यार, मतलब आपका जो पिछवाड़ा है उसको रेस्ट चाहिए होता है, रेस्ट तो मिलेगा बट वो जो क्लोजनेस बन जाती है ना वो उससे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है, एंड बॉस उसके बाद बाइक में कोई मेरे को कमी महसूस नहीं होती है। वेट की अंडर वेट है वो तो मैंने बोल ही दिया, ब्रेक्स कुड हैव बीन मच मोर बेटर वो तो मैंने हर बार बोला है, तो यही सारा कुछ रिव्यू, एंड एवरेज तो बहुत ही अच्छी है, 55 to 60 के बीच में एवरेज देती है बाइक, तो आप लॉन्ग ट्रिप पे जाने से कतराना नहीं, एकदम आराम से जाओ, ब्रेकिंग पे थोड़ा ध्यान रखना एंड थोड़ा कम्फर्ट ओके जाना, एंड इसके साथ करता हूँ आज मेरे ब्लॉग का ये पेंड। आई होप आपको जो ब्लॉग था वो अच्छा लगा होगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेशियस कमेंट देना ना भूले, वन मोर थिंग शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।